में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान की तीसरी प्रमुख जनजाति ग्रासिया जनजाति का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में हम राजस्थान की दो प्रमुख जनजातियां मीणा और भील का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम ग्रासिया जनजाति का अध्ययन करेंगे। यदि हम जनसंख्या की बात करें इस जनजाति की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की टोटल जो एसटी पॉपुलेशन थी उसमें ग्रासिया जनजाति का प्रोपोर्शन 6.7% था। इस तरह से यदि हम इस जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो ये भील और मीणा के बाद में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की तीसरी सर्व प्रमुख जनजाति है। टोटल मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि राजस्थान की टोटल एसटी पॉपुलेशन में लगभग 50% जो हिस्सा है वह केवल मीणा जनजाति का है और इसके बाद भील और इसका आता ग्रासिया का नंबर आता है। यदि हम उत्पत्ति की बात करें तो ग्रासिया जनजाति की जो उत्पत्ति है यह चौहान और अन्य राजपूतों की संतानों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और यदि हम इसके मूल निवास स्थान की बात करें कि ये मूल कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये गुजरात के बड़ौदा के निकट एक क्षेत्र है जिसका नाम है चनपारिन क्षेत्र। ये बड़ौदा के चनपारिन क्षेत्र से चित्तौड़ में आए थे, राजस्थान के चित्तौड़ में आए थे। यदि हम इस जनजाति के विभिन्न प्रकार के शारीरिक लक्षण है या इनके गुणों की बात करें तो भील जनजाति में इसके साथ में ग्रासिया जनजाति के विवाह संबंध होने के कारण वर्तमान में इसके काफ़ी शारीरिक जो पाए जाते हैं लक्षण ये भील जनजाति से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और इसके अलावा इस जनजाति के बीच में इसका नाम क्यों पड़ा ग्रासिया, तो इसके पीछे एक ये पाई जाती है धारणा कि इस जनजाति के भाई बंधुओं के बीच में आपसी संबंध है वह अच्छे नहीं होते, यानी कि इनमें अक्सर रहता मन मुटाव रहने के कारण ही इसे ग्रासिया कहा जाता है। यदि हम ग्रासिया जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान की जो सभी जनजातियां हैं ये मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी भाग में निवास करती है, और ये दक्षिणी भाग है ये राजस्थान का भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है। तो अन्य जो पाई जाती है जनजातियां उसी तरीके से ग्रासिया जनजाति भी राजस्थान के दक्षिणी भाग में ही निवास करती है। और दक्षिणी भाग की हम यदि बात करें तो ये मुख्यतः राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली और जालौर जिले में ये जनजाति निवास करती है। और मुख्य रूप से इस जनजाति का सर्वाधिक जो केंद्रण है ये इसका 56.6, इसकी टोटल पॉपुलेशन का लगभग 56.63% जो भाग है ये उदयपुर और राजसमंद जिलों में निवास करते हैं। इसके अलावा सिरोही जिलों की जो आबू रोड और एक तहसील है पिंडवाड़ा, इस आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में भी ग्रासिया जनजाति का जो कंसंट्रेशन है या संकेंद्रण है ये बहुत ही ज़्यादा है। यदि हम भील जनजाति की भाषा या बात करें बोली की, तो इस जनजाति की जो बोली है ये मुख्य रूप से भीलों द्वारा बोली जाने वाली भीली जनजाति से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी ग्रासिया लोग जो विशेष प्रकार की भाषा या बोली बोलते हैं उसमें गुजराती एवं मराठी शब्दों का जो प्रयोग है वह भी अधिक होता है। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो ग्रासिया जनजाति के जो त्वचा का रंग है वह होता है, ये होते सांवले रंग के होते हैं, और इनका जो कद होता है ये काफ़ी लंबा होता है। और शारीरिक दृष्टि से ग्रासिया जनजाति काफ़ी स्वस्थ और हष्टपुष्ट जनजाति है। भोजन और आवास की बात करें यदि हम इस जनजाति की, तो राजस्थान के जितनी जनजातियां हैं उन जनजातियों का जो भोजन है वह लगभग
मक्का और बाजरा है, तो इसी तरीके से इस जनजाति का मुख्य भोजन भी मक्का, बाजरा और एक विशेष प्रकार का जो भोजन है उसको कहते हैं मलीचा। इसके अलावा ये जनजाति गेहूं, जो चना इत्यादि का भी आवश्यकता के अनुसार उपभोग करती है, और शिकार से प्राप्त मांस और वनों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी इनके भोजन सामग्री में शामिल है। ये लोग त्योहारों के अवसर पर मक्का से निर्मित विभिन्न प्रकार के पकवान भी बनाते हैं। यदि हम इसके आवास की बात करें तो इस जनजाति के जो आवास है बहुत ही वो पाए जाते हैं, साधारण किस्म के आवास है, और इस जनजाति के आवास है वो लकड़ी और मिट्टी से बने हुए होते हैं, और कभी कभी ये अपने मकान को लकड़ी का एक ऊंचा मचान बना करके दो मंजिला भी बना देते हैं। तो इस तरह से इस जनजाति के जो आवास है ये उस जहाँ ये रहते हैं वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए ही ये अपने आवास बनाते हैं। यदि हम इस जनजाति के आभूषण और बात करें वस्त्र की, तो इस जनजाति के द्वारा जो भी पहने जाते हैं वस्त्र या कपड़े वो बहुत ही होते हैं साधारण किस्म के, और पुरुष जो जनजाति है ये पुरुष जनजाति, इस जनजाति के पुरुष है ये मुख्य रूप से पहनते हैं धोती, और इनकी धोती ज़्यादा लंबी नहीं होती है, घुटनों तक होती है, और ये शरीर पर अंगरखी पहनते हैं, सिर्फ और सफ़ेद या लाल साफा पहनते हैं। इस ग्रासिया जनजाति की जो औरतें हैं वो लहंगा, ओढ़नी और कांचली पहनती है। इसके अलावा इस जनजाति के पुरुष और स्त्रियां दोनों ही चांदी से निर्मित गहने हैं, ये गहने भी ये पहनती है, और इस जनजाति के लोग लंबे लंबे बाल रखने के भी शौकीन होते हैं। यदि हम ग्रासिया जनजाति के सामाजिक संगठन की बात करें तो इस जनजाति, ये जो जनजाति है ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक जो होती है उसको कहते हैं हम भील ग्रासिया, और दूसरा होता है उसे हम कहते हैं राजपूत ग्रासिया। राजपूत और भील ग्रासिया इन दोनों में आपस में वैवाहिक संबंध नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना, ये आपस में मानते हैं कि जो भील ग्रासिया है उसको राजपूत ग्रासिया निम्न श्रेणी का मानते हैं, इसी कारण इनके बीच में जो वैवाहिक संबंध है वो नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इस जनजाति का जो परिवार है, समस्त आदिवासी परिवार हो, चाहे वो राजस्थान की जितनी भी आदिवासी जनजातियां हैं, उन सभी जनजातियों की तरह इस जनजाति का परिवार है उसमें भी पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था ही पाई जाती है, और इसमें परिवार के पिता या परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसे परिवार का मुखिया माना जाता है। प्रत्येक गांव में एक विशेष प्रकार की इनकी होती है, पंचायत होती है, और इस पंचायत के मुखिया को पालवी कहते हैं। ये जो पालवी है ये गांव में लोगों के बीच के आपसी जो होते हैं वाद विवाद या झगड़े उनका करते हैं निपटारा, और गांव का प्रत्येक व्यक्ति इन पंचायतों के आदेशों को मानता है और उन पंचों का ये सम्मान भी करते हैं। इसके अलावा ग्रासिया जनजाति की जो औरतें हैं ये औरतें भी अपने परिवार की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। ग्रासिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का जो आधार है ये मुख्यतः माना जाता है गोत्र और एक होता अटक, इन दोनों को इनकी सामाजिक व्यवस्था का आधार माना जाता है, गोत्र और अटक को, और इन्हीं गोत्र और अटक में यानी कि समान गोत्र और समान अटक में ग्रासिया जनजाति विवाह नहीं करते हैं। ग्रासिया जनजाति में यदि हम इसके वैवाहिक संबंधों की बात करें तो इनमें वैवाहिक जीवन को लेकर के या वैवाहिक संबंधों को लेकर के इसमें बहुत ही क्षेत्रीयता की भावना अधिक पाई जाती है, और ये लोग अपने पाल या चोखले से बाहर विवाह नहीं करते हैं। ग्रासिया जनजाति में विवाह मुख्य रूप से
तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला विवाह होता है उसे हम कहते हैं मोर बंदिया विवाह। ये मोर बंदिया विवाह है, ये हिंदुओं में जो होने वाले विवाह है उसी का एक प्रकार है, जिसमें सगाई भी होते हैं, फेरे, और ब्राह्मण को साक्षी मान करके ये समस्त जो विवाह संबंधी क्रियाएं हैं ये संपन्न की जाती है। इसके अलावा अग्नि को साक्षी मान करके ये दूल्हा और दुल्हन फेरे लेते हैं, और इस फेरों के पश्चात ये लोग अपने आप को जीवन साथी समझते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो ये मोर बंदिया विवाह है ये हिंदू धर्म विवाह पद्धति के अनुरूप है, और इस विवाह में ब्राह्मण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका जो दूसरा विवाह होता है उसे हम कहते हैं पहरावना। पहरावना विवाह मोर बंदिया विवाह से कुछ अलग होता है। इस विवाह में नाम मात्र के फेरे होते हैं और इसमें ब्राह्मणों की कोई विशेष नहीं होती है भूमिका, और इसीलिए इस विवाह में केवल सामान्य तौर पर फेरे लेकर के ही विवाह संबंधी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाता है। और जो इनका जो तीसरा विवाह का प्रकार है उसे हम कहते हैं ताड़ना विवाह। ताड़ना विवाह ये बहुत ही अलग किस्म का विवाह होता है। इसमें न तो फेरे होते हैं और न ही इसमें किसी प्रकार के अग्नि को साक्षी माना जाता है, न ही ब्राह्मण की इसमें किसी प्रकार की कोई भूमिका होती है, बल्कि जो दूल्हे पक्ष द्वारा दुल्हन के माता पिता या उनके परिजनों को कन्या का मूल्य है उसे चुकाया जाता है, और इस कन्या के मूल्य को चुकाने के बाद में इनमें आपस में जो विवाह है ये उसे मान लिया जाता है। ये इनके तीन प्रकार के विवाह है, मोरबंदिया, पहराना और ताड़ना विवाह। इसके अलावा भी इसमें कुछ विवाह के और रूप प्रचलित है, जिसमें हम कहते हैं विनिमय विवाह, यानी कि अट्टा सट्टा जो पद्धति है ये भी इसमें पाई जाती है। और विवाह के दौरान ये विशेष प्रकार के दहेज की परंपरा भी प्रचलित है। जनजाति समुदाय या आदिवासी समुदाय में दहेज देने की एक अलग परंपरा है, और यह मुख्य रूप से जो दहेज है ये वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। तो ग्रास्य जनजाति में भी वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कुछ पैसे दिए जाते हैं और पैसों के साथ साथ में पशुधन भी दिए जाते हैं। इस पैसे और पशुधन की जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं दापा पद्धति, यानी कि इस दापा पद्धति के अंतर्गत ही ग्रास्य जनजाति में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कुछ पैसे और पशुधन है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा इस जनजाति में पुनर्विवाह भी होता है, विधवा विवाह का भी प्रचलन है, और तीसरा प्रमुख है जिसे हम कहते हैं नाता प्रथा। ये नाता प्रथा राजस्थान की जो मैंने पहले दो प्रमुख जनजातियों का अध्ययन किया था, मीणा और भील, उसमें भी ये नाता प्रथा का पाया जाता है प्रचलन। इसमें होता यह है कि जब किसी स्त्री के पति का निधन हो जाता है तो यह उसके भाई के ही, या हम यह कहें कि उसके देवर से ही विवाह कर लिया जाता है, और इस प्रकार के विवाह को हम नाता प्रथा की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा ग्रास्य जनजाति में जो विवाह है उसको एक प्रकार का माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट या संविदा माना जाता है, और इस संविदा का जो मूल्य है उसे हम कहते हैं वधु मूल्य। यह वधु मूल्य अमूमन वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को चुकाने के बाद ही ये विवाह संबंधी समस्त क्रियाएं संपन्न मानी जाती है, इसीलिए इसे इनमें विवाह को माना जाता है संविदा। इसके अलावा इस जनजाति की एक खासियत ये भी है कि इस जनजाति में यौन उत्पीड़न करने वालों को सख्त सजा दी जाती है, यानी कि यौन उत्पीड़न के प्रति इस जनजाति के जो विचार है वो बहुत ही सख्त है, ये और ये सजा देने में भी आगे रहती है। इसके अलावा जब नवविवाहित जोड़ा होता है तो जैसे ही लड़के की शादी होती है तो शादी के पश्चात लड़का अपने माता पिता से अलग हो जाता है और अपने घर और
अलग बसा लेता है, ये भी इनकी एक विवाह के बाद की खासियत है। यदि हम इस जनजाति के अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये जनजाति राजस्थान के दक्षिण के सघन वनों और पहाड़ी इलाकों में निवास करती है, जहाँ का धरातल समतल नहीं होता, उबड़ खाबड़ होता है। लेकिन फिर भी ग्रासिया जनजाति के 85% लोग हैं, ये लोग कृषि और पशुपालन संबंधी कार्यों में ही लगे हुए हैं। वर्तमान में यहाँ के लोग जो खेती में मुख्य फसल का उत्पादन करते हैं उसका नाम है मक्का, और मक्का के अलावा ये लोग पानी की उपलब्धता के आधार पर या पानी की उपलब्धता के अनुसार गेहूं और जो भी पैदा करते हैं। सामान्यतः यह जनजाति साल में केवल एक फसल ही पैदा करती हैं। इसके अलावा ये लोग खेती और पशुपालन कार्य के अलावा, क्योंकि ये वनों में निवास करते हैं तो वन्य पदार्थों को एकत्रित करते हैं, लकड़ी काटने का काम करते हैं, गोवंश को भी ये करते हैं, चराने का काम करते हैं, शिकार भी करते हैं, और आसपास के इलाकों में ये लोग मजदूरी भी करते हैं। ये इनके कृषि के अलावा जो उनके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख व्यवसाय है वो ये है। इसके अलावा ये आसपास के इलाके में जो पशुपालन करते हैं उनसे प्राप्त दूध को भी ये बेचने का काम करते हैं। वर्तमान समय में यह जनजाति कुछ मात्रा में इन परंपरागत धंधों को छोड़ करके मजदूरी करने के लिए आसपास के बड़े शहरों में भी पलायन कर रही है। हालांकि वर्तमान में भी इस जनजाति के में जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, इस कारण इस जनजाति के लोग हैं ये सरकारी सेवा से बहुत ही कम जुड़ पाए हैं। यदि हम इस जनजाति की धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान में भील और मीणा की तरह ग्रासिया जनजाति है, ये भी हिंदू धर्म की मान्यताओं और इनके रीति रिवाज को मानने वाली प्रमुख जनजाति है। इस जनजाति का जो मुख्य उपासक देव है या देवता है या भगवान है उसे वो शिव है, यानी कि ये शिव के प्रमुख उपासक जनजाति है। इस जनजाति में श्वेत रंग के जो भी पशु है, चाहे वह बकरी हो, गाय हो, भेड़ हो, घोड़ा हो, यानी कि श्वेत रंग के पशु को ये लोग बहुत ही मानते हैं पवित्र, और इस श्वेत रंग के पशु की ये देवता के समान पूजा करते हैं। इसके अलावा यह जनजाति हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ही मृतक को जलाते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के जो हिंदू धर्म के जितने भी आयोजित किए जाने वाले त्यौहार है ये त्यौहार भी ये लोग बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ में मनाते हैं, जिसमें उनके प्रमुख त्यौहार है वह होली और दूसरा है गणगौर। इन दोनों त्यौहारों को ये लोग बड़ी श्रद्धा और उल्लास से मनाते हैं, और इन त्यौहारों के अवसर पर ये लोग पुरुष हो चाहे महिलाएं हो ये समूह में गीत गाते हुए नृत्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये जनजाति नृत्य की भी बहुत शौकीन है, और इस जनजाति का जो मुख्य नृत्य है वह नृत्य है गरबा, गरबा नृत्य इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। और जब ये लोग गरबा नृत्य करते हैं तो ये नृत्य ये लोग अपनी आराध्य देवी लक्ष्मी को ये लोग करते हैं, समर्पित करके ये विशेष रूप से करते हैं नृत्य। इसके अलावा इस जनजाति में गरबा नृत्य के अलावा दो और नृत्य भी प्रचलित है, जिसमें पहला नृत्य है वालर नृत्य और दूसरा नृत्य है गैर नृत्य। इस प्रकार गरबा के अलावा ये लोग वालर और गैर नृत्य भी करते हैं। ये लोग अंधविश्वासी भी हैं, जादू टोना और जंतर मंतर में भी ये लोग विश्वास करते हैं। इस प्रकार इस जनजाति, इस वीडियो के माध्यम से हमने ग्रासिया जनजाति के बारे में, यानी कि ग्रासिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था, उसकी धार्मिक व्यवस्था, उसके खान पान, उसके पहनावे, उनके रीति रिवाज, उनके भोजन के संबंध में हमने जानने की कोशिश की है। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको ग्रासिया जनजाति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।